जसपुर राजी पढ़ा मुख्यालय डिपो बगीचा को जसपुर एसडीएम साहब के द्वारा ताला बंद कर चाबी नगरपालिका को सौंपे जाने के विरुद्ध में 3 सितंबर को उरांव समाज की ओर से विशाल जन आक्रोश महा आंदोलन किया गया था और धर्म गुरु बंधन तिग्गा जी बोले थे 8 दिन के अंदर अगर चाबी समिति को नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसे में आज 4th दिन है। सो फ्रेंड्स, हम हैं जसपुर के डिपो बगीचा में और यहाँ पे सरना प्रार्थना सभा के पदाधिकारी आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ को लेके क्या रणनीति है आगे की। जी जी भाई, राजी पढ़ा प्रार्थना सभा प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रसाद भगत, मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ मुआयना लेने के लिए। और हमारे साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी तक शासन के ओर से हमें कोई सूचना, मतलब कोई लिखित में कोई इधर मिला नहीं है। हमें चाबी यहाँ का जो पढ़ा व्यवस्था, जो हम लोग का जो होता है पढ़ा व्यवस्था उस, और यहाँ का जो समिति है, अभी तक वहाँ शासन प्रशासन से अभी तक कोई जवाब नहीं आया हुआ है। उसके विषय में हम हमारे साथियों लोग को बताना चाहेंगे, हमारे आदिवासी साथियों को बता रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आज ताला खुला है और यहाँ पे ताला खुला हुआ है। अब कितने दिन से खुला हुआ है हमें तो नहीं पता, लेकिन यहाँ किसी का जिम्मेदारी और जिम्मेवारी नहीं है। आज हमारे इधर थोड़ा कैमरा मैन इधर थोड़ा फोकस कीजिएगा, यहाँ गेट खुला है देख लीजिए, और इधर मैं बोलना चाहूँगा कि गेट खुला है और यहाँ पे कुछ जिम्मेदारी शासन और प्रशासन और हमारे विधायक या महोदय के तरफ से यहाँ पे कुछ वैसा संरक्षित करने का भवन है। यहाँ पे ये पढ़ा भवन भी है और संस्कृति भवन है, जो केंद्र भवन संस्कृति कला भवन है वो ताला लोक है, और ये हमारे मुख्यालय जो पढ़ा भवन है ये भी ताला लोक है। इसके विषय में ये मैं बोलना चाहूँगा, हमारे साथियों को बताना चाहूँगा आज के इस संदेश से कि हमारा जिम्मेदारी जो यहाँ का रक्षा, अगर कुछ हानि हो जाता है, अगर कुछ यहाँ पे अगर चोरी अगर कुछ हो जाती है, अंदर में बहुत सारी कागज करवाए सब हमारे ऑफिस में यहाँ पे रखा हुआ है, वो सब का अगर कुछ हानि होता है तो क्या उसमें शासन प्रशासन जिम्मेदार होंगे या हमारे महोदया जो विधायक जी हैं वो जिम्मेदार लेंगे? मैं ये चीज़ को बोलना चाहूँगा और हमारे प्रशासन को और शासन प्रशासन से मैं ये विनती करता हूँ कि हमारे जो पढ़ा भवन है और हमारे ये सरना स्थल है, इसे लवारिस की तरह इसे छोड़ा ना जाए। इसे हमें विशेष रूप से इसे जैसे अपने आपने ताला यहाँ का कार्रवाई की है उस टाइप से अपने जिम्मेदारी के साथ इसको अपना कार्य को करें और इसको हमें सूचित करने का हमें काम करें। और हमें कुछ सूचना अभी तक शासन प्रशासन के ओर से नहीं मिला है। अब मैं आप सबको यही बताना, इस आज के दिन मैं यही बताने यहाँ पे मुआयना करने आया हूँ। हमें अपने तरह अपने ओर से हमें थोड़ी सी त्रुटि लगी, हमें कमी देखी, तो मैं इस आज के जो यहाँ पे है उससे मैं आप सभी को अवगत कराना चाह रहा हूँ। बस धन्यवाद जी। तो यहाँ पे ताला खुला है राजेश जी, क्या है 3 तारीख को महाआंदोलन हुआ था, उसके बाद आज लगभग 4th दिन है, 4th दिन हो गया फिर भी अभी तक शासन से कुछ सूचना नहीं आया है। देखिए, अभी शासन की ओर से हमें कोई सूचना नहीं मिला है कि ताला खुला है करके, लेकिन मैं दर्शन खुला है करके तो पहले सूचना दे देते ना, ताला बंद नहीं है करके। ताला बंद है इसीलिए तो हम लोग रैली निकाले 3 तारीख को, महारैली का आयोजन किया गया। अगर ताला तो मेरे को जानकारी है, रैली तो नगरपालिका चाबी रखा था इसके लिए ना हुआ था, अपने हाँ, समिति को नहीं मिला था इसीलिए। हाँ, चाबी हमारे जो राजीव पढ़ा को चाबी नहीं मिला था, इस कारण हम लोग आयोजन करना पड़ा
और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ताला दिन रात खुला है, तो कहने का मतलब क्या है? आयोजन जो हम लोग महारैली किए उसका डर शासन प्रशासन का है, जो हमारे राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के द्वारा जो आयोजन हुआ उसके डर से माने आपका राजीव पढ़ा जो मुख्यालय है वो ताला खुला हुआ है, ये लावारिस टाइप का खोला करके छोड़ दिए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? विधायक महोदया लेगी, कृपा लेगा, या लालदो हमारे जो DDC वर्तमान में है, या नगर पालिका लेगा, या हमारे कलेक्टर महोदय लेगा? अगर कोई घटना हो जाती इसके बीच में, आजकल जान रहे हैं, प्रशासन भी जान रहा है, शासन भी जान रहा है कि घटना कुछ भी हो सकता है, दरवाज़ा खुला है, रात भर खुला है, दिन भर खुला है, अगर कुछ घटना घटित हो जाती है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कुछ घटना हो जाती है तो हम लोग FIR दर्ज करेंगे राज्य प्रशासन प्रार्थना सभा की ओर से, कलेक्टर को भी हम रिपोर्ट लिखाएंगे, और आपके नगर पालिका CMO के नाम से भी रिपोर्ट लिखाएंगे, और विधायक महोदया के नाम से भी रिपोर्ट लिखाएंगे, और कृपा के नाम से भी रिपोर्ट लिखाएंगे, और वर्तमान में जो DDC उनके नाम से भी हम रिपोर्ट लिखाएंगे। ऐसा स्थिति ना हो कि हमें चाबी दे सकते थे लेकिन ये लवारिस टाइप का चाबी छोड़ के चला गया, ये किसका जिम्मेदारी है? ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है? किसके डर से ये मान चाबी खुला हुआ है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उतना दिन बोले कि अनुमति के लिए हम लोग से चाबी बोल रहे थे कि अनुमति लेना है करके, लेकिन आज जब आयोजन हुआ, महारैली का आयोजन हुआ, ऑटोमेटिक ताला खुल गया। किसका डर है या किसी के दबाव से माने ताला खुल गया? यहाँ पर मैं इतनी कहकर मैं आगे की रणनीति बनाएंगे, अगर हमको चाबी नहीं मिलेगा तो अभी हम खुलासा नहीं करेंगे, जब खुलासा करेंगे तो बवाल हो जाएगा, राज्य प्रार्थना सभा की ओर से बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। नहीं, गेट तो खुला है, जो भी आना चाहे तो पूजा कर सकते हैं, तो चाबी मतलब ताला लगाने का अनुमति समिति को दिया जाए, ऐसा बोलना है? नहीं, अभी तो देखिए हमें ताला लगा उसका लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ताला तो खुला है लेकिन नहीं, अभी खुला है तो किसका दबाव से खोला है? किसी का दबाव होगा तभी तो दबाव प्रशासन खोल के रखा लवारिस टाइप का। मतलब कहने का मतलब भाई जत समिति को दे चाबी लगाने का। हमारा कहना है कि शासन प्रशासन, कलेक्टर हो चाहे CMO हो, अगर हमारे राजीव पढ़ा के दीवान जो हैं उनको भाई जत सम्मान पूर्वक पूरे संगठन को बुलाकर उनको चाबी सौंपे तो मैं मानूंगा कि ये सही काम किए हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन और फिर से करेंगे। जी ठीक है राजेश जी, धन्यवाद जी। जी भाई, अभी चौथा दिन हो गया, अभी तक कुछ जानकारी मिला है शासन से कि अभी हमारे धर्मगुरु आए थे बंधन दीघा जी, वो बोल के हैं 8 दिन तक कुछ सुनवाई नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करेंगे बोले हैं, तो क्या करना है इस संबंध में? देखिए 3 तारीख को 3 सितंबर को जन आक्रोश महारैली में ये धर्मगुरु हमारे बंधन दीघा जी आह्वान भी किए उस रैली के माध्यम से कि अगर 1 सप्ताह के अंदर शासन प्रशासन के द्वारा जो यहाँ ताला लगाया गया था वो ताला का चाबी जो यहाँ पढ़ा पदाधिकारी हैं उनको मिलना चाहिए, और जो कि अभी तक नहीं मिला है, और यहाँ का जो गेट है जो सार्वजनिक रूप से पूरा खुला है, मतलब ये कहा जाए कि ये जो हमारा सरना स्थल है और यहाँ जो भवन है वो पूरी तरह से असुरक्षित दिखाई दे रहा है, तो हमारा कहना है कि जैसे जन आक्रोश महारैली में आह्वान किया गया कि जैसे 1 सप्ताह के अंदर यदि चाबी नहीं मिलता है तो इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा स्थिति ना आने दे, और इसको इस जो गेट का है चाबी पढ़ा पदाधिकारियों को सम्मानपूर्वक वापस किया जाए जिससे यहाँ का स्थान सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का औचित्य कार्य ना हो सके। तो दोस्तों, राजीव पढ़ा की ओर से 3 सितंबर को जन आक्रोश आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में धर्म गुरु बंधन दीघा जी बोले थे कि अगर 8 दिन के अंदर शासन की ओर से कोई सही निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसा बोले थे, और आज 7 तारीख को हो गया और ऐसे में भी आज कोई शासन की ओर से जानकारी नहीं मिली है, और आगे चल के हमें ये देखना होगा कि राजीव पढ़ा व्यवस्था क्या निष्कर्ष, क्या रणनीति बनाता है, आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे।